ओम शांति, ओम शांति मेरे बहने भाई, ओम शांति। फिर से बोलो, सभी सभी नहीं बोला, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, ओम शांति। अभी क्या बोलेंगे, मेरा बाबा। हम ये कहें मेरा बाबा आ गया, दुनिया कहे हमारा बाबा आ गया। मेरा बाबा तो आया, हमको अपना बनाया, इतनी पालना दी, पराया। तो दुनिया को ऐसा बाबा साक्षात्कार कराने लिए बैठा हुआ करा रहा है, लेकिन अनुभव कराने के लिए निमित्त हम बनेंगे। तो मेरा बाबा अभी 2 दिन है बाबा के आने में, सबको फिक्र होगा ज़रूर। बाबा ने संस्कार परिवर्तन के लिए इशारे दिया है, तो एक अक्षर में मैं ये तो कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे हम परिवर्तन करेंगे, अगर हुआ तो अभी हो जाएगा, आज हो जाएगा। हाँ, संस्कार मेरा कौन सा है, किसी को भी न देख खुद को देखेंगे, रियलाइज करेंगे तो परिवर्तन होगा। ये मैं बहन भाइयों के साथ बहुत प्रेम है ना, इसलिए बाबा जादूगर कैसे है, जो कल मैंने मुरली, कल की मुरली, मुझे 15 मिनट बैठ के कल मुरली सुनने का भी शक्ति नहीं थी, रात को 10 बजे हंसा ने मुरली रात को दी, कल की मुरली। क्या कल की मुरली थी, जादूगर बाबा की मुरली है, जिसने अमृत वेले यहाँ लाया और फिर मुरली सुनाने के लिए लाया। ये मेरे जादूगर बाबा की जादूगरी, देख देख करके दिल कहता है, सभी ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा, साकार मुरली में, तुम जादू करके बच्चे हो। बाबा कहते तुम जादू करके बच्चे हो, प्रैक्टिकल है, बाबा ने हमारे ऊपर तो जादू लगा दिया है। मैं तो कई बार जादूगर के बच्चे बाबा की सेवा और स्वयं प्रत देखा है, स्वयं पर भी देखा है, सेवा में भी जादूगरी बाबा की देखी है, और मुरली समय पर ऐसी मिलती है, ये भी बड़ी जादूगरी है। आज की जो मुरली हमारे हाथों में आई, वंडरफुल मुरली है, हर रोज की मुरली वंडरफुल है। इसलिए मुरली सुनने सुनाने के लिए नहीं है, मुरली बाबा के गले माला बनने के लिए है, दिल तख्ता नशीन बनने के लिए है। मुरली हर कदम पर कदम बाबा के कदम पर कदम उठाने के लिए है, और मुरली में 3 बातें रोज मिलती है। ये तो हम हमेशा कहते हैं, शिक्षा समझानी सावधानी, परंतु आज फिर कहती हूँ, मुरली में 3 बातें, डायरेक्शन, श्रीमत, इशारे, जो समझदार बच्चे बाबा के हैं, इशारे से समझने वाले ऐसे हों जो कई आत्माएं बाबा की बातों को इशारे से समझ जाए,
इतनी हमारी बुद्धि रिफाइन हो जाए तो परिवर्तन दो दिन है बाकी। हर एक को इंडिविजुअली मुझे औरों की फिक्र नहीं करने की जरूरत है। बाबा ने हम बच्चों को बेफिक्र बनाया है, बाबा खुद ही फिक्र नहीं करता हम काय को करें। तो औरों के ये एक वरदान मिला था, औरों के परिवर्तन का इंतजार नहीं करो। मुझे बहुत अच्छा लगा था, औरों के जितना हम औरों के परिवर्तन का इंतजार करेंगे उतना मेरे को परिवर्तन देरी लगेंगी। हर एक को इंडिविजुअली बाबा पर्सनली सुनाता है। ये एक बाबा की जादूगरी है, मुरली चलाता सभा के बीच में है, साकार चाय व्यक्त बाबा पुरुषा सर एक हर एक को ऐसे करने जैसे बाबा मेरे के मेरे लिए बाबा ने मुरली चलाई है। सदाएं ये महसूस होवे बाबा ने आज मेरे लिए सुनाया है। रोज तो मुख्य बात भूल से भी कभी संशय नहीं आ सकता। बुद्धि चलाने वालों को बुद्धिमान बहुत है, पर बुद्धिमान बहुत बुद्धि होने के कारण निश्चय में कितनी विजय है वो मिसिंग है। निश्चय में विजय है, भावना का भारा है, विश्वास अपने आप करता कराता है। ये हमारे बाबा के मुरली से, बाबा के चरित्रों से अपने चरित्र पर ध्यान जाता है। जो कल रात को 10 बजे से मुरली दी, आधा घंटा मुरली परिप्र, आधा घंटा जब तक मुरली अंदर सारी समाई नहीं तब तो सोना नहीं है मेरे को। क्या बाबा ने कल मुरली चलाई है, अंतर्मुक्ता में कितना सुख है, बाहर मुक्ता में आने की क्या जरूरत है हमको, इन आंखों से देखना सुनना क्या जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। ये बहुत काल से बाबा ने हम बच्चों को सुती घोट के पिलाई है। अंतर्मुखी सदा सुखी, मम्मा को आंखों से देखा है सदा सुखी, हमारे पूर्वजों को जिनका बुक आत्म ने बना के कल भेजा है मेरे को सदा सुखी देखा है। और एक दो के साथ संबंध में इतना रिगार्ड रखा है, जो दादी सबके आगे एग्जाम्पल रही है। ये जो आज की रचना है सबके सामने दादी है, पूरा बाप दादा के दिल तक तनशीन बन के बैठ के जो दादी ने पार बजाया है। मुरली को सुनाने के लिए दादी को बाबा ने फिक्स किया, रिवाइज कोर्स चलेगा। मुरली में जो वरदान क्वेश्चन आंसर दीदी ने बनवाए, मुझे याद आता है दीदी रोज शाम को ऑफिस में, जब भी ऑफिस में जाएंगे ना मुरली का क्वेश्चन पूछेंगी सुबह का, मुरली में क्या था आज। और हमको ये याद है जब मेडिटेशन हॉल जब बना, दीदी में से गुड मॉर्निंग करते पीछे ऊपर चलती थी, साथ में चलती थे, हम जाते थे
जो कल के मुरली में रात को होता है, लेट क्लास में आना क्या है, कल के मुरली में, साकार मुरली में क्लास में लेट आना। तो हम लेट नहीं आते थे, दादी मुरली सुनाए उसके पहले हम जाते थे। दीदी रोज, तभी वहाँ ये बगीचा था, वहाँ पहले पूछती थी आज सुबह को क्या विचार किया, बाबा की बात पर पीछे ऊपर जाते थे। ये आपस में जो अति स्नेह युक्त संबंध, जो फिर बाबा ने अभी अभी जो मुरली हम पढ़ेंगे, वंडरफुल मुरली है आज तो, वो फिर हमारे मधुबन वासियों के लिए। कह बाबा ये कई प्रकार से साकार से अव्यक्त होकर के इतनी पालना दी है, जो किसी को ये भासना ना कभी ख्याल भी ना आए हम साकार में बाबा को नहीं देखा। और आजकल तो वंडर ये है, हम 70 साल से ऊपर वाले हैं, अभी हमको जहाँ तहाँ 50 साल से ऊपर वाले बहनें मिल रही है, बहुत जो 50 साल से ऊपर है ज्ञान में, कोई 40 साल से ऊपर है, कोई 10 साल से ऊपर है, कोई 1-2 साल का है पुरुषार्थ में, देखते हैं अभी 1-2 साल का भी अच्छा नंबर आगे ले रहा है। कमाल हमारे जादूगर बाबा की है, हर एक को चांस देता है, हर एक को, कोई नहीं कह सकता मैं लेट क्यों आया। अब बाबा कहते हैं टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया ना, इसलिए पहले आया ना, फिर भी बहुत अच्छा हुआ। कितना हमारा माली मेहरबान है अपने बगीचे को अच्छा बनाने के लिए, कांटों से फूल बनाने के लिए, कितना बाबा मीठा है। ऐसे मीठे बाबा के बच्चे, सर हम भी मीठे बने ना, मीठे बनने का संस्कार बन जाए ना तो भी बहुत अच्छा होगा। कभी रूखेपन से न बोलें, कभी सीरियस होकर के न बोलें। मैं अंदर से कहती हूँ, मैं समझती हूँ गुप्त जो भी कोई भी संस्कार जिसमें हो, आज 2 दिन में मैं ये गारंटी से कहती हूँ खुद के रियलाइजेशन से चेंज होऊंगा, मैं गारंटी कहती हूँ। हम कहेंगे नहीं होऊंगा, कोई मेरे पूछते हैं तुम समझती हो मेरे में क्या चीज़ है, मैं क्यों सोचूं, आप खुद बताओ ना ये मुझे रियलाइज हुआ है तो हाँ फिर तो शुभ भावना है, ये तो प्योर फीलिंग गुड विशेस का। पहले हिंदी में बुक था, हम इंग्लिश कराया कैसे भी करके, इतना इस बुक ने फायदा दिया है कईयों को, अपनी कभी फीलिंग जो अंदर है ना वो चेक करो। 6 महीना कंटिन्यू, अभी भी ये छोड़ेंगी नहीं, मेरी फीलिंग में अंदर कोई ऐसी बात, किसकी कमी या किसकी अवगुण, न किसके लिए घृणा न किसके लिए प्रभाव, बाबा फ्री रखो, बाबा करता है। ए मैंने मुझे ये कोई भी मेरे बात अंदर है वो शान नहीं है हमारा, पास आनर में आने के लिए सिर नहीं उठा सकेंगे। तो हमारा शान है पासितानर में आना, अपने बाप का नाम बाला करने के लिए, और कोई हम आवाज़ में आएंगे तो नाम बाला नहीं होगा, परंतु जो जिगर से बाबा जैसा बनाने चाहता है उससे ऐसा ही सेम जैसा बाबा, अगर लगन ये होंगी तो ये लगन की अगेन मेरे
विचार में तो क्या अनुभव में आता है, बाबा बनाने वाला तो तैयार बैठा है, अंग संग तैयार बैठा है, सब एक सेकंड भी बाबा को से अपन को अलग न करें ये भूल न हो हमारे से। एक सेकंड भी कभी ये भूल किया, बाबा से अपन को अलग किया, फिर तो कोई ठिकाना नहीं है। तो मुझे ये सूक्ष्म ईश्वरी परिवार के लिए बाबा ने अति प्यार पैदा कर लिया है, जो ईश्वरी परिवार का प्यार की जो दुआएं है ना वो भी बहुत है। ईश्वरी परिवार का प्यार सब भी मैं देखती हूँ, कोई वो कुछ मेरे लिए तकलीफ हुई हो तो माफ़ करना, मेरे से किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं अभी भी कई बार माफ़ी मांगी है, बाबा ने भी मुझे माफ़ी, कोई ऐसी भूल की है तो बाबा ने मुझे माफ़ किया है। बाबा कहते बच्ची रिपीट नहीं करो, परंतु कोई भी छोटी सी भूल भी फिर से हमारे से न हो, ये हमारा शान नहीं है, ये है हमारी भावना। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, जब कहते बाबा कहते बच्चे तो आज मुरली पर संडे की है, अव्यक्त मुरली है, और मेरा बाबा परसों आ रहा है, तो दो दिन तो हम बाबा के हाजुरी में पहले यहाँ हाजिर हो करके जी चाहता है, जो बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया है वो अब भी आज हो जाए ना, तो कल बाबा के सामने परसों मुँह कैसे कितना अच्छा दिखाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा बहुत अच्छा होऊंगा। अब ये मुरली है 95 की, 19 तारीख है, पहला महीना है 18 जनवरी, फिर 19 जनवरी, अभी जनवरी जल्दी आ रही है। क्या कमाल बाबा आपकी है, पर मैं कहती हूँ वरदान भी जो जैसे लिखने वाले की कमाल है, मुरली के पीछे वरदान ऐसा होता है जो हाल तुमको वरदान प्रत्यय करके अपन को देखें। वरदान जो वरदान तो है भव का, जो बाबा ने कहा भव है तो वो भव तो काम होना भव ही होना चाहिए ना। रात का वरदान अंतर्मुखी का, जिसको बाबा ने इतने सुख दिया है तो सुखदाता के बच्चे हैं, हमारे से किसको सुख ही मिले, दुख काहे को मिल सकता, नहीं मिल सकता। अच्छा, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी बनो, एक मिनट भी एक सेकंड भी किसकी आंख बंद न होवे, प्लीज यहाँ इधर उधर न देखना, ये थोड़ा अपने ऊपर मेहरबानी करो या मेरे को अच्छा लगेगा, न इधर उधर देखो न आंखें बंद करो, ये मेरे बाबा ने इशारे दिया है मुरली सुनने के समय, कैसे सुनना है। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं, दो प्रकार के साथी है, एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले, दूसरे है स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले, समझ गए। हर एक अपन से पूछे, एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले, दूसरे स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले।
दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं, चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी है, बाप दादा के सामने है। वंडर है मेरा बाबा, बाप दादा और बच्चों का वायदा है, कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी है, लेकिन सदा साथ है। ये ब्रह्म जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। बिजवन भाई बन रहे, मैं बताऊं, गोवा में पब्लिक प्रोग्राम में टॉपिक रखी, शी इज कंपनी ऑफ गॉड, एक घंटा खड़ी हो करके, क्या मुझे मजा आया होगा। बड़े बड़े वीआईपी स्टेज पर, वहाँ के सारे वीआईपी, और तो कोई हथा ही नहीं भाषण वाले वाला, साथ बैठे थे। गवर्नर से मिली थी, इतना प्यार से मिला, बेहद प्यार से मिला, मिलिट्री का बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़े से बड़ा, अपने पास बुलाया, फिर सारे मिलिट्री वालों से मिलाया। टॉपिक क्या थी, 5 मिनट पहले टॉपिक दी, मुझे 15 मिनट उनसे मिलने का टाइम था, 20 मिनट। होप, करेज, डेस्टिनी, इंग्लिश जानती हूँ क्या, बड़े पढ़े लिखे, होप, करेज, डेस्टिनी, आधा घंटा मिला हमसे, जितने बड़े ऑफिसर थे। तो क्या मेरे कमाल बाबा की है, बुद्धों का, मेरे जैसा बुद्धू कोई नहीं है, कुछ पढ़ी लिखी नहीं, पर बुद्धिमान की बुद्धि मेरा बाबा। बाप दादा, चाहे बच्चे साकार में है और बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या, नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है, चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है, अलग हो नहीं सकते। अब ये मुरली किसके लिए है, हाथ उठाओ, किसके लिए मुरली है। अरे नहीं, ऐसे नहीं उठाओ, सच सच उठाओ, सच्चा सच्चा, ये ऐसे नहीं हाथ उठाओ, ये बाबा को खुश करते हो हाथ उठा करके। दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है, अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्मा वैदा कभी टल नहीं सकता, वो साथ देने वाला जो उसका है ना, परमात्म वायदा भावी बन जाता है, तो भावी टाली ना टले। इसलिए सदा समीप है, सदा साथी है, और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है या मेहनत है, अभी हाथ उठ, मौज है या मेहनत है, थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है ना, तो बाप किनारे हो जाता है, कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा, बात बाप को किनारा कर देती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जावे, तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना, तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन। पर्दे का काम है आना, और आपका काम क्या है, हटाना। यहाँ थोड़ा थोड़ा मजा आता है, बाप दादा देखते हैं,
बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं। अब याद उठवाऊं, उसमें तो उठा लिया सार्थक के अनुभव में, बातों में कभी मजा ले लेते हैं। जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि अबू में रहना। अबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज्यादा है तो पानी की तो मुश्किल हो गई है। तो साकार में साथ रहना नहीं लेकिन दिल से साथ निभाना है। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में बैठे हुए भी दूर है। और लास्ट देश में रहते हुए भी दिल से समीप है, वो साथ है। इसे बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम तो नहीं कहते हैं ना बाबा। देखो बाबा के बोल ऐसे है हाल, तो शरीर राम तो नहीं कहते हैं ना, तो दिल बाप में है ना। बाप की दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाप के दिल में आप है और आपके दिल बाप दादा के दिल में, नहीं बाप के दिल में आपका, ये खुलता ही नहीं है भाई। अच्छा खुला। बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को, अनुभवी हो ना। कि यहां से जाएंगे कहेंगे दूर हो गए, नहीं। सदा साथ निभाना, या कोई भी आत्मा आत्मा से नहीं निभा सकती। एक ही परमात्मा आत्माओं के साथ निभा सकता है। ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य आप सब बच्चों को ही है ना। आज पूरे हाल में सभी भाई बहनें पट में बैठे हुए हैं, ओम शांति भवन में। बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके याद आ रहा है। यादगार में बाबा वंडरफुल, यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं, उसमें सिर्फ फेस दिखाई पड़ता है। यादगार में रुद्रमाला में सिर्फ फेस दिखाते हैं, या सभा में भी सिर्फ बाबा को फेस दिखाई पड़ता है। यहाँ से भी सिर्फ फेस ही देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं, फेस दिखाई दे रहे हैं। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है। तब तो आए हो ना, और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, तो ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना। और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है। तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना, या आप कहेंगे हमने ब्रह्मा बाप का अनुभव नहीं किया। अभी ये मुरली 15 साल पहले की, आज भी 15 साल के बाद भी कितने लोग, कितनी आत्माएं आई होंगी। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो क्या बिना बाप के पालना की पैदा हुए क्या?
अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती और सर्व निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना, यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। हाँ जी, देखो फॉरेन में बाप जाता है ना, तो इंडिया में नहीं करता है क्या? उलहना तो नहीं देते, बाबा हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साका शरीर में, साका रूप में तो तदा साथ नहीं दे, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। जब चाहो, सुनो, जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं, ये याद रखना। जब चाहो बाबा से मिलन का दरवाजा खुला है। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है, नहीं। ये देह में देह के बंधन है, और अव्यक्त में न देह का बंधन है, न देह के दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना, आगे बैठो पीछे बैठो। अभी भी समय पर मान बहुत बहुत भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना, फिर तो खड़े रहने की जगह मुश्किल मिलेगी। आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है, जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। सभी मधुबन वासी, अबूर निवासी, पांडव भवन में मूली सुन रहे हैं, ये भी परिवार का प्यार है। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना, वो थोड़े समय का अनुभव करते हो। ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा बाप का आचरण वही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान हो। जब उच्चारण पर आना तो मुझे एक बारी, मुझे याद नहीं आया कहाँ, मैं भारत या मधुबन में नहीं था बाबा, कहाँ था, यहाँ हो बच्ची मुरली चलाना सीखेंगी क्या? मगर बाबा ही मुरली चलाता है ना, मैं बताता हूँ कैसे चलाओ। जो पिया के साथ है वो गीत बजाना, मुरली चला देंगी। पर दो तीन गीत सुनाया बाबा ने, बच्ची एक गीत, ये गीत याद करेंगे ना मुरली आ जाएंगी, ऐसा ये बाबा ने मुझे बोला। वंडरफुल, मुझे 12 गीत याद है बाबा के, एक एक गीत के पर जो मुरली चली है वंडरफुल, मेरी सेम नहीं चली है। तो बिठा के बाजू में बैठा है, मैं मुरली चलाना सिखाता हूँ तुमको। मैं क्या बाबा, बाबा चलाता है, मैं क्या वंडर है मेरा बाबा, समझा? आप याद करेंगे ना, मुझे जो पिया के इतना गीत अच्छा लगता है बाबा, ऐसी मुरली अच्छी चलाई बच्ची, ये जो है ना मुरली तुम चला सकती हो। मैंने कहा बाबा मैं नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ ना गीत को बजाएंगी ना तुम, आ जाएगा तुम्हारे पास मेरा बाबा। देखो तो ये उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान हो, कहाँ बाबा कहाँ बच्चे, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान, उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप समान हो, जिसको कहते हैं फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उस आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया,
तो चेक करो, आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेल से लेकर के रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा पर मान चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती और कोई नहीं होती। संकल्प भी आज्ञा पर मान है कि मिक्स है, संकल्प भी आज्ञा पर मान है या मिक्स है। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी है। कल परसों जो बाबा हमारे परिवर्तन देखने चाहिए, फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी है। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है, संकल्प की भी आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेल क्या संकल्प करना ये भी सब स्पष्ट है ना, तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो या कभी निंद्रा लोक में चले जाते हो। अमृत वेले कभी परम धाम में चले जाते या निंद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है, बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा, तो उसको आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। मैं देखती हूँ मूली सुनते कोई ऐसे भी नहीं करता है, पर ऐसे कर बाबा के सामने अगर हम ऐसे न करें ना तो बाबा ने आंख दिखाई है साकार में। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। अगर चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं सुतह मिलती है, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो जो संकल्प किया, चाहे स्वप्रित चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सब में दुआएं मिली। क्यों? आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती है, और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है दुआओं के प्रभाव से सदा दिल सदा संतुष्ट रहेंगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाह्य की संतुष्टता नहीं ले मन की संतुष्टता, और मन की संतुष्टता यथारथ है या मियाँ मिठू है। हमको आईना दे रहा है क्या परिवर्तन आना है। मन की संतुष्टता यथार्थ है या मियाँ मिठू है उसकी निशानी है। अगर यथार्थ रीत से यथार्थ आज्ञाकारी है, दुआएं है, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते समझो मन की संतुष्टता नहीं है, बाप के व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही है। परिवार की भी दुआएं आवश्यक है, ऐसे नहीं समझो बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता कोई हज्जा नहीं है। पहले भी सुनाया कि माला में से जो गुलदाना नहीं, उनसे माला नहीं बनती। माला में सिर्फ जुगुल दाने से माला नहीं बनती,
माला में आना है। माला में आना है, इसे पूरा लक्ष्य रखो कि हर आत्मा, हर एक आत्मा मुझे देख करके खुश हुई, देख करके हल्के हो जाए, पोज खत्म हो जाए, तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट, दूसरे को भी लाइट बनाएंगी। इससे समझो आज्ञाकारी कहाँ तक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट हो, खुशी में नाचता है। ये तो बाबा को देखा, बूढ़े भी कोई बाबा से बैठेंगे, कंजूस भी बाबा के साथ बैठेगा, कंजूस को कैसे ठीक कर दिया, एकदम बूढ़ा एक बड़ा कंजूस था, असल उसको यज्ञ सेवा का ख्याल ही ना आवे। बाबा ने कहा मेरे सामने ले आना। बाबा ने ऐसा जादू लगाया एकदम, बच्चा भी कोई था, बच्चे को बाबा ने इतना प्यार किया जो अपने बाप को भूल गया बेचारा एकदम। तो बच्चों जैसा बूढ़ों के साथ बूढ़ों सा, और जवानों के साथ जवान जैसा बैडमिंटन खेला, कमांडर है बाबा का। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अरे छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता, नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, कोई पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हो जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हो, दूसरे भी संतुष्ट रहे। ऐसे नहीं, हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं है? अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है? कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। जितना भी बाप और ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे, राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? जो ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगी, तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेगा? संस्कार तो यहाँ भरना है ना, कि वहाँ योग से भरेंगे, यहाँ ही भरना है। अभी वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कहते हैं रहते थे, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं है। सुन लो दूसरी बात, ऊपर बोला बाबा नहीं है, या अब जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं है। परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? जो आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है, वहाँ कारण होंगे क्या? जैसे अभी राज्यसभा में कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, वहाँ ऐसी राज्यसभा होगी क्या? वहाँ तो उसे खुश खैरात पूछेंगे, सिर्फ दरबार नहीं, बहुत अच्छा मिलन होगा। तो कारण कहकर अपन को दुआओं से विंचित मत करो, कारण कह करके दुआओं से
विचित मत करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसलिए नंबर वन हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल इकट्ठे होते हैं, सभी के फाइल है, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है, अभी भी फाइलें रखनी है। फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन बनना है? अभी अभी मूली तो सुनी, अभी दूसरी परसों क्या सुनेंगे मैं दिख रही हूँ। अभी आज जो है फिर ये मूली मिली है हाथ में, तो आज से सब फाइल खत्म कर दें, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा। सच बोलो बोलो, खत्म करें या थोड़ा दिन रखें, शिवरात्रि तक रखें। जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे। हाथ उठाओ, अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हिम्मत है। अभी हिम्मत नहीं रखना तो हिम्मत नहीं रखना, ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने तो हिम्मत थी, नीचे उतरे थोड़ी हिम्मत कम हो गई, अपने देशों में गए तो और कम हो गई। कोई बात आई और कम हो गई, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। देखो जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने पर शर्म आता है ना, अपने ऊपर ही संकोच होता है, ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ, करके और फिर पश्चाताप करे। यह तो आपकी प्रज्ञा का काम है या आपका काम है, करके पश्चाताप करे, जो आपका काम है या प्रज्ञा का काम है। पूरा मूल्य आईना मिलती है, पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? तो सोचो साखी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सबको आता है, दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साखीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता है। सिक्कन में तख्त नशीन बन जाओ, ये स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त है। क्या बोला होगा बाबा रे, अभी साखीपन की स्थिति, साखी नहीं होते तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है। ये बड़ा अंदर डीप संस्कार है। साखीपन की स्थिति नहीं होती है तो दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साखी होकर के देखेंगे अपनी भी नजर आएंगी, दूसरे की भी नजर आएंगी, तो जजमेंट जो होंगी वो यथार्थ होंगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती है उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, बातों में बहुत अच्छा अकल है, ये कभी भी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है, बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात पक्की बात को
पकड़ करके बैठते हैं, समझा? बात आती चली जाती है, बात पे भी अकल का काम करती वो चली जाती बेचारी। ब्राह्मण बच्चे उसको बात को पकड़ के बैठते हैं, बात रुकती नहीं है, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते हैं। तो बातों में अकल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में अकल ज्यादा हुआ? बातें अकल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं दो दिन से ये बात चल रही है, दो घंटे की बात चली है, दो घंटे में कितना गंवाया, दो दिन में कितना गंवाया। तो अकल वाले बनो। अच्छा, अभी इस मूली का थोड़ा और भाग है, वो दूसरी मूली में सुनाएगा वरदान। रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले, रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्ति भव है। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएंगे। अभी 15 साल पहले बाबा ने ये हमको बोला है। वरदान देखो, प्रत्यक्षता के समय के मन के का नंबर, भविष्य राज का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का, अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस के धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, अंत में ये पर्दा हट जाएगा। तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएंगी, रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएंगी, अर्थात भविष्य पद को स्पष्ट करेंगी। इसलिए रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ, स्लोगन किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को। अभी क्या क्या परिवर्तन लाना है वो हर एक को आईना बाबा ने बोली में दे दिया। ओम शांति।